मोटर कार की टैक्सेबिलिटी की है। ये शीट है आपका मास्टर शीट, जो कि 3 पेज की समरी तैयार कर रहा है एक तरीके से। 3 पेज का कंटेंट था, उसको समराइज कर दिया गया। ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार, तो देखो इसके अंदर बातें क्या क्या आएंगी, कि गाड़ी किसकी है, खर्चे कौन बियर कर रहा है, और काम कौन से हो रहे हैं। तीन पर्पस है, तीन चीजें, मतलब कि किसकी गाड़ी है, उसके खर्चे कौन मैट करता है, और तीसरा कि उस गाड़ी से काम क्या हो रहा है, ऑफिशियल काम हो रहा है, पर्सनल काम हो रहा है, या दोनों हो रहा है, पार्शियल पार्शियल। ठीक है, उसके बाद फिर दो फिल्टर आते हैं कि हमारे पास गाड़ी कैसी है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी का मतलब कि वो 1600 सीसी तक की गाड़ी है, 1.6 लीटर या 1600 सीसी एक ही बात है, या फिर वो अबव 1.6 लीटर या 1600 सीसी उससे ऊपर की गाड़ी है। ठीक है, तो दोनों गाड़ी के लिए थोड़ी सी ट्रीटमेंट हल्की सी चेंज हो जाती है। अब यहां पे केसेस है, टोटल हमारे 6-6, 12 केसेस बनते हैं। पहले 6 केस एम्प्लॉयर के, दूसरे 6 केस एम्प्लॉय के, मतलब यहां पे गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, यहां पे गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की। पहले 6 केसेस में 3 बातें आएंगी कि ड्यूटीज कैसी कैसी परफॉर्म की जा रही है, ऑफिशियल है, पर्सनल है, या बोथ है, और खर्चे कौन मैट कर रहे हैं। देन फिर ड्यूटीज कौन सी परफॉर्म की जाएगी और खर्चे कौन मैट कर रहा है, तो खर्चे वाले पार्टी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के टोटल 12 केस बने आपके। ठीक है, आओ एक एक करके देखें। गाड़ी मालिक की, काम भी मालिक का, खर्चा भी मालिक का, अपने जेब में क्या गया, हमारे जेब में तो कुछ गया ही नहीं, हमारा कोई बेनिफिट है क्या, हमें तो बेनिफिट निकालना है ना इसके अंदर से, कि बेनिफिट कुछ हमारा हो रहा है क्या। गाड़ी मालिक की थी, काम भी मालिक का कर रहे थे, और खर्चे भी मालिक देर कर रहा, तो करने तो भी हमारी कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो कोई सी नहीं बनता, आपका एग्जम्प्ट हो गया पूरा पूरा। दूसरा, गाड़ी मालिक की, खर्चा मालिक का, काम आप पर्सनल कर रहे हो, ये केस बनता है मेन। ठीक है जी, कि आपका क्या है यहाँ पे, गाड़ी मालिक की है, खर्चा भी मालिक बियर कर रहा है, बट आप चला रहे हो उसको मजे से, वो भी पर्सनल काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए नहीं, मतलब आपको घर के लिए गाड़ी दे रखी है, कहने का मतलब ये। तो देखो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। पहला बेनिफिट खर्चा, पहला बेनिफिट खर्चा, आप करते तो आपके पैसे लगते, मालिक दे रहा है आपको, तो एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट गाड़ी, दूसरा बेनिफिट क्या है, गाड़ी, गाड़ी के इसमें आप क्या लेते हो उसका 10%, हमें कोई भी अगर मिलता है एसेट तो हम क्या करते हैं उसका 10% ले लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट का। तो आपको एक तो मिला खर्चा, मतलब एक्सपेंसेस जो भी बेयर कर रहा है वो आपका बेनिफिट हो गया, दूसरा गाड़ी आपकी बेनिफिट हो गई, और लेस कर दो क्या अगर रिकवरी है तो क्या ट्रीटमेंट है इसका। गाड़ी छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, आप क्या बोलोगे, जो भी खर्चे कर रहा है एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉयर के खर्चे उसके मेंटेनेंस के हो सकते हैं, सर्विसिंग के हो सकते हैं, ड्राइवर के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर प्रोवाइड कर रखा है तो ड्राइवर का खर्चा भी कौन मीट कर रहा है, एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, तो वो खर्चा भी हो सकता है। कोई भी खर्चा जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो सारे खर्चे प्लस व्हीकल जो आपको दी गई है उसका 10% एंड लेस कर दिया जाएगा अगर कुछ रिकवरी है तो, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो। 10% ऑफ व्हीकल कॉस्ट, जो भी व्हीकल आपको, गाड़ी भी तो मिली है ना, तो गाड़ी आप यूज कर रहे हो तो उसका एक तरीके से आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो कि भैया एम्प्लॉयर को कितने का खर्चा लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, वो आप पे करोगे क्योंकि वो आपका बच रहा है, मतलब आपका बेनिफिट है वो, तो वो आपकी टैक्सेबिलिटी का पोर्शन में आता है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट इतने का मिल रहा है, कितने का, जो भी वो खर्चा कर रहा है प्लस व्हीकल का 10% लेस, अगर आप कुछ पे करते हो रिकवर करता है अगर वो आपसे तो वो लेस कर देंगे, जो भी नेट निकल के आएगा वो आपका बेनिफिट है, मतलब वो आपका परक्विजिट है मोटर कार का। ठीक है, ऑल इज वेल। तीसरा, ये है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 90% सवालों में आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट दिखता है, बाकी सारे जो 11 पॉइंट है वो नहीं दिखते, 90% सवालों में थर्ड पॉइंट दिखता है। ठीक है, क्या कह रहा है, गाड़ी किसकी, मालिक की, खर्चा कौन कर रहा है, मालिक, और पर्पस का है बोथ, बोथ का मतलब क्या है, पर्सनल भी और ऑफिशियल भी है, दोनों पर्पस के लिए यूज करते हो। तो यहां पे एक लिमिट दी गई है आपको, लिमिट क्या दी गई है, 1800 प्लस 900 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल कर लिया जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछना है कि भैया गाड़ी छोटी थी या बड़ी। छोटी गाड़ी तो 1800 प्लस 900 कितना आएगा, 2700 मल्टीप्लाई बाय 12, खत्म कहानी, उतना उसकी इनकम में जोड़ दो। ठीक, और भाई अगर बड़ी गाड़ी होगी तो 2400 प्लस 900 3300 मल्टीप्लाई बाय 12 जो भी आएगा उसकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। यहां 1800 जो लिया जाता है ये जाता है गाड़ी के लिए, और ये जो 900 रुपए लिया जाता है ये जाता है ड्राइवर के लिए। 900 रुपए किस चीज का है, ड्राइवर का है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि ड्राइवर नहीं है तो सिर्फ आप 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, ये 900 नहीं लोगे, ऐसे यहां पर ड्राइवर नहीं होगा तो ये 900 नहीं लिया जाएगा, ये ड्राइवर के लिए है आपका, ड्राइवर का एक अमाउंट कैलकुलेटेड है और ये यही है मैंने बताया। तो ये नहीं पूछना कि ये क्यों है 900 क्यों है, 800 क्यों नहीं और 1200 क्यों नहीं। ये टैक्सेबल इनकम है वो एम्प्लॉय के पे करेगा या एम्प्लॉयर, अब भैया एम्प्लॉय का काम कर ले, हम छैली के चैप्टर एम्प्लॉय का पढ़ ले, कैसी कैसी बात कर ले, उसमें देर तो बहुत आता है।
हम इम्प्लॉई हैं, इम्प्लॉई की सिचुएशन को देख के हमें इम्प्लॉई की इनकम में कितना जोड़ना है कितना नहीं जोड़ना, वो फाइंड आउट का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। पढ़ाई हम इस चीज की कर रहे हैं कि इम्प्लॉई की इनकम में क्या जोड़ा जाए। पहले सिचुएशन में इम्प्लॉई की इनकम में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, दूसरी सिचुएशन में हम ये कैलकुलेशन करेंगे जो भी निकल के आएगा वो जोड़ दिया जाएगा, तीसरी सिचुएशन में कह रहा है कोई कैलकुलेशन नहीं करना भैया, 1800 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12 करो और जोड़ दो। अगर ये सिचुएशन है तो छोटी गाड़ी के, इसमें बड़ी गाड़ी होगी तो 2400 प्लस 900 और मल्टीप्लाई करो 1200, उसको ऐड कर दो। और इसके लिए एक स्पेशल बात और आती है कि अगर कुछ रिकवरी है भी तो, रिकवरी वैसे होती नहीं इसी केस में, बट अगर स्टिल है भी तो आप लेस उसको नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे फ्लैट अमाउंट दे रखा है। फ्लैट अमाउंट मतलब ये रिकवरी है तो भी इसमें एडजस्टेड है, नहीं है तो भी इसमें एडजस्टेड है, इतना तुमसे टैक्स लेंगे खत्म कर। ठीक, ये थर्ड केस था आपका। नेक्स्ट आता है जहां पे आप गाड़ी किसकी है, मालिक की, काम ऑफिशियल हो रहा है लेकिन खर्चे कौन दे रहा है, इंप्लॉई। तो जाती है बेचारे के साथ, टैक्स लेने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि गाड़ी मालिक की समझ में आता है, काम भी मालिक के समझ में आता है, इंप्लॉई अपनी जेब से खर्चे भर रहा है उसके मेंटेनेंस के, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे नॉन टैक्सेबल मतलब ही नहीं है, तो नेगेटिव आना चाहिए बल्कि। ठीक है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इंप्लॉयर की गाड़ी है, पर्सनल यूज कर रहा है और खर्चे कौन मेट कर रहा है, इंप्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे आप सामने वाले से बेनिफिट क्या ले रहे हो, इंप्लॉयर से बेनिफिट क्या ले रहे हो, क्या खर्चे का बेनिफिट ले रहे हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका ले रहे हो, कार का, सिर्फ और सिर्फ किसका ले रहे हो, कार का, तो 10% ऑफ कार आना चाहिए। प्लस अगर कुछ बेनिफिट वो दे देता है एडिशनल से, कभी सर्विस करवा देता है या कभी और कोई बेनिफिट, कुछ भी एनी अदर है तो वो जोड़ देना है आपको, एनी एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर अगर है तो, वैसे ये नहीं होगा इस सिचुएशन में। प्लस 10% ऑफ व्हीकल लेस रिकवरी, सिंपल मतलब ये कुछ ऐसा ही हो गया। यहाँ पर तो बकायदा वो एक्सपेंस मेट कर ही रहा था, यहाँ पे वो एक्सपेंस मेट नहीं कर रहा, बट स्टिल अगर कुछ मिसलेनियस खर्चे कर देता है तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ जी सर, ये एग्जेम्प्शन केस में जैसे क्या होता है, हमें पहले टैक्स मतलब टैक्सेबल करके दिखाना होगा, फिर उसके बाद उसमें से एग्जेम्प्ट करना। कौन सा केस, पहला वाला? नहीं जी, आपको कुछ नहीं लिखना, आप जब अपना सवाल करोगे तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ मोटर कार या परचेजेस ऑफ मोटर कार, आगे लिखोगे डैश डैश या एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, नोट में जाओगे, नोट में लिखोगे सिचुएशन बताओगे कि जी गाड़ी मालिक की थी, पर्पस ऑफिशियल था और खर्चे मालिक यूज कर रहा था, हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हैंड ऑफ सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। इस तरीके से आप एक नोट लिख दोगे, खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी आपको। ऐसा नहीं कुछ क्या निकालोगे क्या, किसी में से कुछ लेस थोड़ा कर पाओगे, अलाउंस थोड़ा ना, ये परक्विजिट है, तो यहाँ पे आप किसी के अंदर से कुछ लेस नहीं कर सकते, आपको तो सीधा सीधा दिख रहा है उसकी वैल्यू, निकाल पा रहे तो निकाल पाओगे, टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं निकाल पा रहे तो डैश डैश या एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट लिख दोगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट आता है आपका, गाड़ी किसकी है, मालिक की, काय के लिए यूज हो रहा है, दोनों कामों के लिए यूज हो रहा है, कि खर्चे यहाँ पे कौन दे रहा है, इंप्लॉई। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा रिडक्शन करके लिमिट बनाई गई, जैसे 1800-900 था, यहाँ इन्होंने लिमिट बनाई 600-900, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो खर्चे हैं, यहाँ पे किस कौन मेट कर रहा था, दोनों केस में इंप्लॉयर था, यहाँ पे गाड़ी इंप्लॉयर के, लेकिन खर्चे इंप्लॉई भी मेट कर रहा है, तो इसलिए इंप्लॉई से जो लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 600 रुपए, और ये 900 तो वही है जो पहले था ड्राइवर का, अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, और ऐसे यहाँ पे कितना है, 900 प्लस 900 है ड्राइवर का, अगर होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना, ये लिमिट आपको याद करने का, मतलब ये दो पॉइंट ही जो आपको याद करने वाला है, ये दोनों, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो ये वाला बताया, क्योंकि ये जनरल ये बहुत रेयर केस हो गया जहां पे गाड़ी इंप्लॉय की और इंप्लॉय खर्चा बियर करे। प्रैक्टिकल सिचुएशन भी क्या है कि गाड़ी भी मालिक की होती है, खर्चे भी मालिक दे रहा होता है, और वो काम दोनों के आ रही होती है, इंप्लॉय अपना काम भी कर रहा होता है और ऑफिस का काम भी कर रहा होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन भी यही होती है हर जगह पे, इसलिए आपके सवालों में भी हर जगह पे यही पाया जाता है मैक्सिमम जगहों पर। ठीक है, बट स्टिल आपको ये भी याद होना चाहिए, ये बातें खत्म हुई। अब बारी आई गाड़ी किसकी है, इंप्लॉय की, अब गाड़ी किसकी हो गई, इंप्लॉय की, ऑफिशियल काम करेगा, कभी भी ऑफिशियल काम होगा तो सीधी सी बात है टैक्सेबल नहीं होता, ये सिंपल आपके माइंड में भी आना चाहिए कि किसी भी केस में अगर ऑफिशियल सिर्फ काम कर रहा होगा तो भैया वो क्या लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और खर्चे यहाँ पे कौन मेट करता है, एम्प्लॉयर, तो कोई सवाल ही नहीं है इसके अंदर, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब पॉइंट आता है गाड़ी इंप्लॉय की, यूज भी वही कर रहा है, खर्चे बस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो मुझे क्या मिल रहा है मालिक से, खर्चे, तो खर्चे ले लो उससे, और अगर रिकवर कुछ कर रहा है तो उसको लेस कर देंगे, सिंपल बंडा। आगे मालिक की गाड़ी यूज दोनों पर्पस के लिए हो रहा है और खर्चे कौन मेट कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो यहां पे देखो क्या होगा, हमें क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या मिल रहा है, खर्चे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी भी तो दे रहा हूं ऑफिशियल काम के लिए। ठीक है, तो अब वो अपनी गाड़ी के पैसे वापस लेगा, बोलेगा भैया जो मैंने गाड़ी दी उसके लिए जब तुम मुझे गाड़ी देते थे तो तुम पैसे लेते थे नहीं लेते थे, जब तुम गाड़ी देते थे तो तुम 1800-900 लेते थे, अब मैंने गाड़ी दी है तो तुम मुझे वापस करो 1800-900,
तो क्या होगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस 1800-900 और लेस रिकवरी। ये 1800-900 में अगेन वही चीज है कि गाड़ी दोगे तो 1800 आएगा और अगर इंप्लॉय ही ड्राइवर भी दे रहा है तो 900 भी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 900 की सिचुएशन बहुत कम हो गई क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होगा कि इंप्लॉय गाड़ी भी देकर आएगा और बोलेगा ले भाई मैं इंप्लॉय भी हायर करके दे रहा हूँ, ड्राइवर भी दे रहा हूँ, बट अगर है तो वो भी लेना है और लेस रिकवरी। रिकवरी में क्या है? रिकवरी का मतलब क्या हुआ, ले भैया तुम्हें गार्ड देते तुम्हारी सैलरी से 500 रुपए मंथ काट लेंगे, तो ये क्या 6000 रुपए क्या है, रिकवरी है कि तुम्हें जो फैसिलिटी दी जा रही है उसके लिए कुछ रिकवर कर रहे हैं, तो पूरे परक्विजिट में चल रहा है हर जगह पे आ रहा है। आगे देखो जी, गाड़ी किसकी, खर्चे कौन मीट कर रहा है, एम्प्लॉय, और काम किसका कर रहा है, झंगोर फिर से गलत हो गया, तो कि भैया गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे भी वो मेन कर रहा है, काम ऑफिस के कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, एग्जेम्प्ट। अगला, गाड़ी मेरी, खर्चे मेरे, काम भी मेरा, तो इससे लेना देना क्या है, ये केसी नहीं है, ये मैंने बस बना दिया, ये केसी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। मतलब क्या है कि भैया मेरी गाड़ी है, मैं ही खर्चे कर रहा हूँ, मैं जहां मर्जी करूँ उसको, जो मर्जी करूँ, सवाल ही नहीं उठता सैलरी के चैप्टर का, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये वाला केसी आपका नहीं बनता, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अगला, अब गाड़ी मेरी है, खर्चे मैं बेयर कर रहा हूँ, लेकिन काम मैं ऑफिस का भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, इफ एनी, अगर है तो, और लेस कर दोगे आपका ड्राइवर, क्योंकि गाड़ी आपकी है यहाँ पर, आप पर्सनल काम भी करते हो, यहाँ पे ड्राइवर को एक माना जा रहा है कि ड्राइवर अगर है तो लेस कर दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। और अगेन बड़ी गाड़ी का यहाँ पे सिचुएशन ही नहीं बनाया गया आपके एक्ट के अंदर, वो कह रहे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, ऑल्दो खैर ये वाली पॉसिबिलिटी भी पूरी नहीं है, ठीक है ना, बट अगर है तो इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक ये है, दूसरा ये है, जहां पे लिमिट्स आ रहे हैं, और जहां पे लिमिट आई नहीं रहे वहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना है, सवाल में आपको दिया होगा आप इजीली समझ के पता लगा लोगे कि भैया एम्प्लॉयर क्या खर्चे कर रहा है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, वो ले लेना है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखने हैं, दोनों लिमिट्स, जो दो लिमिट्स है 1800-900 वाले और 600+900 वाले, ये लिमिट आपको याद है, मिली मिली ही सवाल इसमें से आता, बट चर्चा करने के लिए हमारे पास कुल ये 12 बातें थी, ठीक है, ऑल इज वेल। अब एक बार इसको बुक से देख ले, ये भैया मैंने दोनों में लिखा है, ऐसे निकलते दोनों में लिखा है भाई मेरे, यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना ये, देखो जहां एक में लिखना था मैंने ऐसे एडजस्ट किया उसको, ये दोनों के लिए है ना भैया, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा कौन सा, हम कहां पे, किस पेज नंबर पे थे, 171। ये भाई ना मेरे को वैसे ये कहना चाह रहा है, ये कुछ और कहना चाह रहा था जो मुझे लगा, अब पता नहीं वो कहना चाह भी रहा था नहीं चाह रहा था, कि ये 1800 है तो यहाँ पे 2400 भी तो होना चाहिए ना, अगर ये आप कहना चाह रहे हो तो आप सही कह रहे हो कि ये दोनों ऑप्शनल हो गया, ये मैंने वैसे दोनों के लिए लिख दिया, अच्छी बात है, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस 1800-900 करेंगे कब, छोटी गाड़ी में, और माइनस 2400-900 करेंगे कब, बड़ी गाड़ी में, ये दो में लिखना चाहिए था, गलती हो गई, दो में लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मतलब क्या है कि जो यहाँ आप दे रहे हो वो आप नीचे रिकवर करोगे अगर आपकी गाड़ी है तो 1800-900 होगा इन केस ऑफ स्मॉल कार और 2400 होगा इन केस ऑफ बिग कार, स्मॉल कार मतलब 1600 cc से नीचे की गाड़ी और बिग कार मतलब उससे ऊपर की गाड़ी, ठीक है, गुड, शाबाश, बहुत ही उम्दा। आओ जी एक बार बुक से देख लेते हैं, इसमें कुछ छूटा उटा ना हो, कुछ और ऐसी मिस्टेक ना हो गई हो, किस पेज नंबर पे है ये, 171। क्यों नहीं आ रहा ये, हाँ जी यहां से शुरू है ये मोटर कार, फटाफट से मैं रीड मार रहा हूं, कहीं कुछ छूटा हुआ तो देख लेंगे, अदरवाइज आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए। मोटर कार टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट व्हेन कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय इज यूज्ड बाय हिम और मेंबर्स ऑफ हिज हाउसहोल्ड होली और पर्सनल पर्पस और फिर विच रिइंबर्समेंट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कुछ ऐसी लाइन लिख गया, नीचे देखो काम की बात है, नीचे है। सीरियल नंबर है, सर्कमस्टांसेस है, इंजन की कैपेसिटी बता रहा है 16 cc तक होगी या उससे ज्यादा होगी, पहला केस कह रहा है जहां पे क्या है, या तो मालिक का खुद का है या उसने हायर किया है, मतलब कहीं ना कहीं उसका है, कहीं ना कहीं किसका है, ये एम्प्लॉयर का है, ठीक है, चाहे उसका खुद का परचेस किया हो या वो किराए में लेके आया, जैसे मर्जी लेके आया। इसके अंदर 1.1 वाला केस आया, पहला वाला, जिसके अंदर क्या कह रहा है कि जो भी मेंटेनेंस होंगे या फिर आपके ड्राइवर
या शॉफर के खर्चे होंगे वो सारे के सारे कौन मेट करेगा? एम्प्लॉयर मेट करेगा। मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहा है? एम्प्लॉयर। इसके अंदर तीन बातें आएंगी अब 1.1 के अंदर कि पहला काम कौन सा हो रहा है, ऑफिशियल, दूसरा काम कौन सा हो रहा है पर्सनल, और तीसरा काम कौन सा हो रहा है पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, मतलब बोथ। ठीक, पहले वाले केस में आपने क्या देखा था? एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। दूसरे वाले केस में आपने क्या देखा था कि भैया जो भी वो खर्चा कर रहा है वो ले लो, प्लस 10% ले लो और माइनस रिकवरी कर दो। ठीक है ना, तो ये दूसरा वाला पढ़ना जरा जरूरी है। देखो जरा क्या लिखा है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर कार इंक्लूडिंग रेमुनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द शॉफर एंड इंक्रीज बाय द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द मोटर कार एट 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल और लेस कर देंगे एनी अमाउंट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच यूज इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज। नॉर्मल है, वही जो लिखा हमने शॉर्ट में वही बात है। आगे दूसरा ये वाला आया जहां पे दोनों लोग यूज करते हैं। दोनों यूज में क्या है, 1800 रुपए पर मंथ है आपका, प्लस किया जाएगा 900 रुपए पर मंथ इफ शॉपर इज आल्सो प्रोवाइडेड। अगर ड्राइवर भी दिया गया है तो उस केस में 900 रुपए आपका और ऐड होगा टू रन दी मोटर कार शैल बी टैक्सेबल। और दूसरे वाले केस में क्या है, 2400 रुपए पर मंथ, लेकिन प्लस करेंगे 900 रुपए अगर यहां पर भी ड्राइवर दिया जाएगा तो। आगे बढ़ जाओ जी, नोट लिखा है, नथिंग इज डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई से कुछ रिकवरी हो रही है तो इस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि आपको आपको फ्लैट लिमिट दे रखी है। ये कहां कहां पे होता है, जो दो लिमिट वाला केस है हमारा 1800-900 वाला और नीचे आएगा 600-900 वाला, 2400-900 वाला या फिर नीचे आएगा 900-900 वाला। ठीक है ना, इन चार जगहों पे रिकवरी लेस नहीं की जाती। दूसरा केस आया कि यहां पे मेंटेनेंस कौन कर रहा है, खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉई। खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉई। इस केस में क्या होगा, used wholly or exclusively in the performance of the official duty, मतलब official काम कर रहे हैं पूरा का पूरा, कोई बात ही नहीं आती यहाँ पे तो, not a perquisite, ये perquisite ही नहीं है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। And उसके बाद used exclusively for the personal purpose, अब पूरा पूरा ये क्या कर रहे हैं, अपना personal purpose के लिए use कर रहे हैं, तो उसके इसमें क्या होगा, जो भी खर्चा अगर कर रहा है कुछ employer तो वो ले लेंगे और 10% add कर दिया जाएगा, less कर दिया जाएगा अगर कुछ recovery हो रही है तो। Same इसके अंदर, ये तो common था। इसके बाद थर्ड आता है जहां पे पार्टली यूज हो रहा है ये, तो उस केस में आपने क्या देखा था, 600 रुपए पर मंथ लेते हैं, अगर ड्राइवर दिया जाएगा तो 900 रुपए और ऐड हो जाएगा। और ऐसे इस केस में 900 रुपए पर मंथ लेते हैं और ड्राइवर ऐड किया होगा तो 900 रुपए ऐड हो जाएगा, मतलब 600-900 वाला केस है और वो 900-900 वाला केस है। एंड इसके अंदर वही नोट लिखा है कि कुछ भी डिडक्शन आपका माइनस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आता है जहां पे गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मेंटेनेंस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। मेंटेनेंस कौन कर रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर करेगा तो उसके इसमें कैसी बात आएंगी, तो पहला काम ऑफिशियल काम कर रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट, दूसरा जहां पे पर्सनल काम कर रहा है तो उसके इसमें क्या होगा, जो भी खर्चा होगा वो ले लो माइनस रिकवरी दोनों के लिए। एंड तीसरा केस जहां पे वो बोथ काम कर रहा है, बोथ काम में क्या करेगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो लेगा लेगा मालिक का, लेकिन अपनी रिकवरी माइनस कर देगा 1800 रुपए पर मंथ वाली और 900 भी माइनस कर देगा अगर वो ड्राइवर भी दे रहा है तो, और माइनस करेगा रिकवरी, मतलब खर्चा माइनस 1800-900 माइनस रिकवरी। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, खर्चा माइनस 2400-900 माइनस रिकवरी। एंड फिर लास्ट केस आता है आपका कौन सा, इसमें दो ही है, वो तीसरा वाला जो नॉट एप्लीकेबल वाला था वो बना ही नहीं है क्योंकि वो केस ही नहीं बनता जहां वो सारा कुछ उसका पर्सनल होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना मिसप्रिंटिंग है, ये एम्प्लॉयर लिख गया, यहाँ पे इसको एम्प्लॉय कर लेना, हेडिंग में एम्प्लॉयर लिखा हुआ इसको एम्प्लॉय कर लेना। रिइंबर्समेंट यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी पूरी परफॉर्म की जा रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जहां पे आपका बोथ किया जा रहा है, मतलब पार्शियली और पार्शियल पर्सनल, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और उसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और इस केस में वाला केस ही नहीं बनता आपका। तो ये कुछ बातें थी आपकी, होपफुली आपको इस चार्ट से क्लियर हो गई हो। चार्ट हटा दिया हमने, yes. ये तो बड़ा गलत काम किया, आएगा आ जाओ। ठीक है जी, तो ये जो दो ढाई पन्ने का आपका समरी था, ये आपका इतने में समा गया, काम की बातें यहाँ पे आ गई, इससे आपको इसको याद रखेगा, इसको साफ साफ लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। अरे बिल्कुल यार, बड़े बड़े सवाल करेंगे, क्या बात कर रहे हो तुम, ये सारे सवाल पीछे अगर पीछे पलट के देखोगे उसमें सारी चर्चाएं हो रही है। ठीक है, और चर्चाएं देखना चाहोगे, चलो एक तुम्हें चर्चा दिखाई देते हैं यार, तुम एक क्वेश्चन हो जाए ना, क्वेश्चन दिख जाए, मतलब हो तो ना जाए, पूरा तो नहीं होगा पर दिख जाए कि इसकी चर्चा किस प्रकार से आती है।
किसी को दिखे किसी क्वेश्चन में तो बताना मेरे को। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। थर्ड 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 सवाल, अबे ट्रांसपोर्ट नहीं है गंदे बच्चे, उसके नीचे है। हाँ जी क्या कह रहा है, देखो एक बार हेडिंग पढ़ लो। मिसेज एक्स इज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड, 1 दिसंबर 2012 से काम कर रही है, पे स्केल इनका ये दे रखा है, इनको ये फॉलो इमोलमेंट्स मिलते हैं। भैया फोन बंद कर दियो, पढ़ लो कोई नहीं, अब पढ़ लो। हाँ जी कह रहा है इनको ये सैलरी मिलती है, ऊपर उसने स्लैब दे दिया, नीचे डीए कह रहा है लंच अलाउंस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है, जो भी है नीचे कह रहा है। अब सी इज शी इज प्रोवाइडेड विद अ कार, 1800 सीसी की गाड़ी है, बड़ी वाली गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, अलॉन्ग विद द ड्राइवर फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, दोनों काम के लिए दिया जा रहा है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2016 एज शी स्टॉप गेटिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रॉम दैट डेट, उस डेट से ऑब्वियसली बात है उनको क्या मिलना बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। आगे entire expenditure of the car and driver is paid by the employer, खर्चे कौन बियर कर रहा है, employer, she pays, कुछ देती भी है मतलब recovery है, ₹300 per month to the employer for the use of the car and driver, उसके लिए वो recovery भी करता है कुछ ना कुछ। अब ध्यान दें यहाँ पे, ये जो सवाल है ना इसमें थोड़ी डेट हो सकता है गलत हो, बट आपको क्या ध्यान देना है कि फरवरी से इनको ये मिलना शुरू हुआ, 1 फरवरी से, मतलब ये फैसिलिटी से पहले इनको क्या मिलता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब 2 महीने तो इनको क्या मिली, गाड़ी, और 2 महीने से पहले 10 महीने क्या मिला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ना 1000 per month, ये 10 महीने का लोगे पर ये पूरा पूरा एग्जाम्पल जाएगा, क्योंकि आपकी लिमिट होती है 1600 रुपए की ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट 1600 रुपए की, पूरा एग्जाम्पल जाएगा। बट कहने का मतलब ये जो आप करके दिखाओगे तो 1000 × 10 और फिर आगे लिखोगे फुल्ली एग्जाम, क्योंकि 1600 रुपए per month की लिमिट है। ठीक, 2 महीने के लिए इनको क्या मिल रहा है, कार। 2 महीने के लिए इनको कार मिली, तो कार में बताओ इस सिचुएशन में क्या टैक्सेबल होता था, बड़ी वाली गाड़ी है 2400 × 900 और पर मंथ था, तो पर मंथ में मल्टीप्लाई में क्या करोगे, सिर्फ 2 ना कि 12 महीने, अच्छा 2400 प्लस है, प्लस है प्लस है, 2400 प्लस 900 और उसमें मल्टीप्लाई में कितने महीने करोगे, 2 महीने 12 महीने नहीं करोगे, ये उसको टोटल टैक्सेबल होगा। और लेस रिकवरी है, रिकवरी कितनी है, 300 × 2 ही महीने होगा, ये भी 600 रुपए और जो होगा वो आ जाएगा 300 ही क्यों दे रही है। अरे वो उसकी मर्जी यार, हद हो गई, वो रिकवरी ले रहा है 300 रुपए के हिसाब से, क्यों होगा क्या मतलब होता है, अब काई के लिए भी ले रहा हूं। ठीक है, ये एक समझ में आ गया, परफेक्ट, किसी को कोई डाउट, मैं कह दूं सारे नलायक हो, क्या कहूं सारे नलायक हो, अभी तो वो भी बाकी है ना, क्या बाकी है, अरे वो छोड़ो, ये मोटर कार फैसिलिटी का आपने काम कर लिया, ये जो भी अमाउंट आया ये आपके इनकम में जाकर जुड़ जाएगा, एम्प्लॉयर ड्राइवर के एक्सपेंसेस पे करता है ना, सही तो है सर, नहीं डू नॉट डिडक्ट एनी रिकवरी इफ एनी, अरे हां ये लाइन में पढ़ने वाला, अलग रेड कलर से मार्क करके लिखा, एरो भी बना के लिखा, काहे के लिए, देखो आप पूछो क्यों, ये यहाँ पे नहीं है, ये आपका एक लॉ है, लॉ में कहा गया रिकवरी माइनस नहीं किया जाएगा, तो बेवकूफ वाला सवाल तो पूछने का नहीं, और मुद्दा यहाँ है कि गलती हाँ आपकी है, आप उसको कवर कर रहे हो, तो ये आपका लेस नहीं होगा, सीधा फ्लैट टैक्सेबल होता है, फ्लैट टैक्सेबल होता है, जहां पे भी लिमिट है वहां फ्लैट टैक्सेबल है, कोई रिकवरी माइनस नहीं होती, रिकवरी वहां माइनस होती है जहां खर्चे के जोड़े घटाए जा रहे हैं, जहां खर्चे जोड़े घटाए नहीं जा रहे, जहां आपको लिमिट दी गई है लॉ के अंदर, तो वो लिमिट लेनी है आपको, वहां रिकवरी माइनस नहीं की जाती। सारे कह रहे हो गया हो गया हो गया, बस घटाओ घटाओ, हो गया हो गया हो गया, अब अगला क्या करो, अब नहीं कर रहे, अब अगली क्लास में करेंगे, चलो